नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस का ही रहने वाला अपना थर्ड थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो जाता है और फ्रेंड्स ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आगे देखेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपको कम से कम 200 से 250 वर्ड में लिखना होता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और बात करते हैं, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि हमें समझ में आ जाए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो बात करते हैं, ये क्वेश्चन कौन सा है अपना, ये हो जाता है एक प्रकार से, देखें ये क्या कर रहा है अभी तू हैं। देखो बात करते हैं, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हो जाता है अपना थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो जाता है, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, बहुत ही प्यार से देखेंगे, आराम से याद करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी, ठीक है, यहाँ पर उत्तरदायी होगा, उत्तरदायी प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो जो भारत में राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ था, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, है ना, राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ था, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, उसके प्रमुख उत्तरदायी प्रमुख कारणों की आपको क्या करना है, विवेचना करना है कि राष्ट्रवाद का विकास हुआ कैसे, है ना। इसके बारे में हम कारण देखेंगे, पहले देखेंगे राष्ट्र विकास, हेडिंग क्या डालेंगे, पहले हम हेडिंग डालेंगे राष्ट्र विकास। तो यहां पर हमने डाल ली भाई हेडिंग, कौन सी हो गई, राष्ट्रवाद नहीं लिखेंगे, राष्ट्रवाद के विकास, नहीं नहीं राष्ट्रवाद लिखेंगे ओनली, ठीक है, राष्ट्रवाद लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, हेडिंग डाल ली हमने राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के बारे में पहले हम देखेंगे, ठीक है, भारत का राष्ट्रवाद, भारत का, सॉरी यहाँ पर भारत है तो भारत का लिखेंगे, भारत का राष्ट्रवाद, ये हमारी पहली हेडिंग हो जाती है। और यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, क्या लिखेंगे, उत्तर। अब स्टार्ट करेंगे, हेडिंग नहीं है मगर फिर भी हमें हेडिंग यहाँ पर लिखना है, ठीक है, क्योंकि हेडिंग के अनुसार ही नंबर मिलेंगे आपके लिए। अगर हेडिंग अच्छी है तो नंबर अच्छे मिलेंगे आपके लिए। तो हेडिंग ने डाल दी भारत का राष्ट्रवाद। तो इसके बारे में देखेंगे, पहले क्या होती है, क्वेश्चन की थ्योरी देखने मिलती है, क्वेश्चन कैसे रिलेटेड है, तो भाई हम देखने वाले हैं भारत का राष्ट्रवाद। हमने हेडिंग डाल दी, उसके बारे में कुछ यहां पर थ्योरी दे रखी है। तो बात करते हैं ब्रिटिश सरकार के लंबे शासनकाल के पश्चात 1857, कब, 10 मई, है ना, 10 मई 1857 के एक सशक्त विद्रोह से, किससे, एक सशक्त विद्रोह हुआ था, राष्ट्रवाद की एक क्या हुई थी, चिंगारी जली थी। राष्ट्रवाद की चिंगारी कब जली थी, जब 10 मई 1857 के मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से संग्राम हुआ था, कहते हैं ना 1857 की क्रांति हुई थी, वही बात यहां पर हो रही है कि यहां से एक चिंगारी जली जिसने अंग्रेजी हुकूमत के मजबूत कह रहा है, अंग्रेजी हुकूमत के मजबूत किले, ध्यान से देखो उनका मजबूत जो किला था उसको झंझोर कर रख दिया, उसको क्या कर दिया था, झंझोर कर रख दिया था 1857 के विद्रोह से। प्रज्वलित हुई राष्ट्रवाद की चेतना को राष्ट्र कांग्रेस ने नई दिशा, राष्ट्र कांग्रेस उस समय थी तो उसने क्या की, एक नई दिशा इसे प्रदान की। फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने इस आंदोलन को जो नई दिशा प्रदान की, उसके उदय के पीछे 1857, 10 मई 1857 की क्रांति के साथ अनेक ऐसी घटनाओं का समूह है जो धीरे धीरे भारतीयों के मन में, भारतीयों के मन को आंदोलित करता रहा। राष्ट्रवाद के उदय में निम्नलिखित कारण थे, तो सबसे पहले क्या देख लिया, राष्ट्रवाद का उदय कहां से हुआ, 10 मई 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे क्या हुआ था, भारत के राष्ट्रवाद का विकास हुआ, है ना। बात करते हैं उदय हुआ था, अब इसके कारण कौन कौन से, अभी तो हमने क्या देख लिया, भारत के राष्ट्रवाद का विकास, भारत का राष्ट्रवाद का विकास हमने देख लिया पहले, तो ठीक है पहले हम देख लिया विकास कब हुआ, तो 10 मई 1857 क्रांति जो हुई थी उससे क्या हुआ था, भारत के में राष्ट्रवाद का विकास एक प्रकार से नींव पड़ी थी, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसके कारण, हमने डाली थी पहले हेडिंग भारत का राष्ट्रवाद का विकास, तो हमने देख लिया, ठीक है, अब हम इसके कारण देखेंगे। हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, जो हेडिंग बता रहा हूं उसी प्रकार से आपको लिखनी पड़ेगी। तो बात करते हैं इसके कारण, अब देखते हैं इसके कारण कौन कौन से थे, राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे कौन कौन से। तो पहला हो जाता है सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण मतलब समाज से रिलेटेड और धर्म से रिलेटेड, ठीक है, इनके अनुसार क्या हुई थी, आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में हेडिंग डाल दी। बात करते हैं राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक तथा धार्मिक
आंदोलन ने अमूल्य योगदान दिया। किसमें? सामाजिक और जो धार्मिक आंदोलन थे उनमें क्या दिया था? अमूल्य योगदान दिया। फिर देखा है 19वीं शताब्दी के इन सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, कृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन आई थी विवेकानंद के अनुसार, और थियोसोफिकल सोसाइटी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन आंदोलन द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधारों के माध्यम से एक ऐसी क्रांति की शुरुआत सूत्रपात हुआ जिसके फलस्वरूप भारतीयों का धर्म के प्रति अंधविश्वास जो था समाप्त हुआ और वे रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं जिसके फलस्वरूप भारतीयों का धर्म के प्रति क्या होता, जो अंधविश्वास था वो समाप्त हुआ और वे धार्मिक रूढ़ियों को त्याग कर समय व देश के हित में यहां पर धर्म का पालन करने लगे। मतलब इसकी पहली हेडिंग क्या थी? सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। कौन कौन लेके आए? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाते हैं, है ना, जिन्हें आर्य समाज की स्थापना की। फिर हो जाते हैं अपने ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन जो थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, है ना, इनकी जो की थी इन्होंने, ये जो प्रमुख संस्थान थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने धार्मिक सुधार किए और अंधविश्वास जो था उनको समाप्त कर दिया, ठीक है, और एकता में विश्वास किया, ठीक है, एकता में लोग विश्वास करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, वह अपने समय को त्याग कर, जो अंधविश्वास में जी रहे थे उस समय को त्याग कर देश के हित में उन्होंने भाग लिया, ठीक है। तो वही दे रखे हैं, आराम से लिख सकते हो। इसमें बात करते हैं, पहली हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं सेकंड हेडिंग के लिए, तो बात करते हैं, ये देखा है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो 10 मई 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश के, तो वो यहां पर बात हो रही है। तो बात करते हैं 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था, एक सैनिक विद्रोह से क्या था, कहीं अधिक था। फिर देखा है, यह भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि इसने जन विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में धारण कर लिया। मतलब यह भारतीय स्वतंत्रता के रूप को, युद्ध को होना चाहिए था, यहां पर को होगा, ठीक है, युद्ध के रूप में धारण कर लिया। इस विद्रोह को दबाने में जो अमानुषिक आचरण ब्रिटिश सरकार ने किया, इसको दबाने के लिए जो अमानुषिक आचरण था, ठीक है, अमानुषिक आचरण जो ब्रिटिश सरकार ने किया था, वही आचरण कौन था, वही आचरण जनता में असंतोष को बढ़ाने तथा एकजुट होकर राष्ट्र के लिए कार्य करने की प्रेरणा सिद्ध हुई। मतलब जो कांग्रेस जो लोग थे ब्रिटिश के लोग थे, उन्होंने इसे दबाना चाहा, मगर इस दबाने के कारण ही लोगों में क्या हुआ, वही आचरण जो था उन्होंने असंतोष को बढ़ाने तथा एकजुट होकर राष्ट्र के लिए कार्य करने की प्रेरणा सिद्ध हुआ, ठीक है। तो बस आराम से देख सकते हो 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती कारण, वो हो जाता है पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। कौन सा? पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। मतलब यहां पर अंग्रेजों ने शिक्षा दी थी, ठीक है, कि भाई आप शिक्षित हो तो हमारे यहाँ पर नौकरी करोगे, आपको उच्च एक प्रकार से अधिकार दिए जाएंगे, है ना, उच्च पद के लिए दे जाएंगे, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो बात करते हैं, तीसरा हो जाता है पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में अंग्रेजी को अनिवार्य करना भी राष्ट्रवाद का उदय का कारण बना, क्योंकि अंग्रेज जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजी को मान्यता दी, हिंदी को मान्यता नहीं दी, ठीक है। तो इस प्रकार से भी राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण से माना जाता है। फिर देखा है, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीयों पश्चिमी साहित्य तथा उसकी संस्कृति के संपर्क में आए तथा उन्हें स्वतंत्रता, समानता और आत्म निर्णय जैसी आधुनिक राजनीतिक भावनाओं की जानकारी हुई। अभी तो उन्हें जानकारी होगी जब वह शिक्षित होंगे, तो उन्होंने इंग्लिश वगैरह का ज्ञान किया और उन्हें किसको जानकारी हुई, स्वतंत्रता, समानता और आत्म निर्णय जैसी आधुनिक राजनीतिक भावनाओं की जानकारी हुई और इनके संकीर्ण विचारों में परिवर्तन हुआ। उनके जो संकीर्ण विचार थे, उनके जो पहले वाले विचार थे, उनमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ और उनके दृष्टिकोण व्यापक हो गया। इस तरह पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रवाद की क्या हुई थी, नवजीवन प्रदान किया, भारत के राष्ट्रवाद को नवजीवन प्रदान किया। मतलब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है। तो आराम से देख सकते हो इसके लिए।
बहुत ही अच्छी हेडिंग थी पाश्चात्य शिक्षा प्रसार के बारे में। अब बढ़ते हैं फोर हेडिंग की ओर। फोर हेडिंग हमारी क्या करी है, आपको पांच से छह हेडिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं हेडिंग फोर की ओर, कह रहा राजनीतिक एकता की स्थापना। राजनीतिक एकता की स्थापना हमारी हेडिंग हो जाती है, इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। बात करते हैं ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। जो भारत की राजनीतिक जो पार्टी थी उनमें एक दूसरों में क्या थी, बनती नहीं थी। कब तक, ब्रिटिश शासन से पूर्व, ठीक है। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, परंतु ब्रिटिश शासन ने भारत को राजनीतिक के रूप में एक इकाई बना दिया। उन्होंने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, मतलब एक इकाई बना दिया, क्योंकि ब्रिटिश शासन की स्थापना से शोषित भारतीयों में अंग्रेजी शासन का अंत करने की भावना बलपती है, बलपती हुई, ठीक है। अंग्रेजों की, यहाँ पे कह रहा अंग्रेजी शासन का अंत करने की जो भावना थी वो बलपती हुई और उनमें एकता की उस भावना का प्रादुर्भाव क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, जो देश में राष्ट्रीय चेतना की जागृति का एक कारण बना, है ना। बहुत ईजी है, देखो बहुत ईजी, आराम से आप लिख सकते हो इसके लिए। तो राजनीतिक एकता की स्थापना इस प्रकार से हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर वाले के लिए, कुछ नहीं दे रखा है फोर वाले में, ठीक है। फोर वाले क्या दे रखा है, पहले जो ब्रिटिश सरकार नहीं थी उस समय क्या थे, एक दूसरे लड़ते रहते थे, ठीक है, इनमें नहीं बनती थी एकता। उसके बाद में जब वो आए, भारतीयों का शोषण किया, दोनों पार्टियों का शोषण किया होगा, उसके बाद में क्या हुआ, वो लोग इकट्ठे हो गए और एक प्रकार से भारत की मतलब राष्ट्रवाद के उदय में उन्होंने भाग लिया, ठीक है। बात करते हैं आगे की ओर, फिर देखा है तुम्हारा भारतीयों का विदेश गमन, भारतीयों का जो विदेश गमन, जो विदेश गए उसके बारे में। तो बात करते हैं 19वीं सदी से अनेक भारतीय शिक्षा प्राप्ति हेतु तथा अन्य कार्यों से विदेश जाने लगे। अरे कार्यों से कहां जाने लगे, विदेश जाने लगे। उन्होंने वहां प्रजातांत्रिक सिद्धांतों तथा संगठनों का कार्यकर्त देखा और स्वतंत्रता समानता और प्रभुत्व जो होता है, सॉरी भ्रातृत्व का पाठ पढ़ा। उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में जानकारी ली, समानता के बारे में, और भ्रातृत्वकारों ने पाठ पढ़ा कि हमारा देश गुलाम है, ठीक है, हम स्वतंत्र नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पर आप लिख सकते हो भारतीयों का विदेश गमन। हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, हेडिंग तो आपको डालने डालने पड़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सिक्स को देखते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान। जो ऐतिहासिक अनुसंधान होते हैं उनके बारे में भी यहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि उनसे भी क्या होता है, राष्ट्र उदय देखने को मिलता है। तो बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान, भारतीय राजनीतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का एक ऐसा विवरण विभिन्न विद्वानों द्वारा भारतीयों के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिससे भारतीयों में अपनी पुरातत्व सभ्यता तथा संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न हुई। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में, भारतीयों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना तथा देशभक्ति की भावना बिलुप्ति हुई, है ना। देश की भावना की क्या हुई, बिलुप्ति हुई इस प्रकार से, क्योंकि ऐतिहासिक जो होते हैं ना, जो पुराने जो विद्वान थे, विद्वान ने क्या लिखा, ऐतिहास उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है, नए वालों ने, वो क्या हुआ इस प्रकार से देशभक्ति के बारे में यहां से भी देखने को मिल जाता है ऐतिहासिक अनुसंधान के अनुसार, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, देखिए शिक्षित भारतीयों के असंतोष, शिक्षित भारतीयों में असंतोष, तो ये भी एक राष्ट्रीय भावना के उदय में भाग लेता है। कौन सा शिक्षित भारतीयों में असंतोष, क्यों, क्योंकि शिक्षित हैं फिर भी उन्हें कोई उच्च पद नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से भी यहां पर देखने को मिलता है, यहां पर एक कारण जो हो जाता है शिक्षित भारतीयों में असंतोष। तो बात करते हैं 1833 में, 1833 के अधिनियम तथा 1857 की घोषणा में कहा गया कि योग्यता अनुसार, देखिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, योग्यता अनुसार भारतीयों को सरकारी पद दिए जाएंगे, जिस योग्य होंगे उसके अनुसार आपको सरकारी पद दिए जाएंगे, परंतु व्यवहार में इस नीति का पालन करने के स्थान पर भंग कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि अगर भारत के लोग, ठीक है, उच्च पद पे जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर ये अपने देश के खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं फिर, देखा भारतीयों को उच्च पद विशेषता भारतीय नागरिक सेवा से अलग रखने की विविधता प्रयत्न किए गए। फिर देखा 1877 में नागरिक सेवा में प्रवेश की आयु कितनी कर दी गई, 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 19 वर्ष कर दी गई, जिससे भारतीयों के लिए इस परीक्षा में शामिल होना मुश्किल हो गया, क्योंकि भाई इंडिया लोग थे, इंग्लिश कम आती थी, ठीक है, तो एकदम तो भाई इंग्लिश सीख नहीं जाएगा, कोई पढ़ नहीं सकता इतना। तो इस प्रकार से उन्होंने पहले तो 21 हुआ करती थी, उसके बाद क्या कर दी, 19 वर्ष कर दी, जो कि ये ना लग पाए। बात कर जिससे भारतीयों के लिए एक
परीक्षा में शामिल होना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। इस प्रकार भारतीयों को उच्च पद से अलग रखने की नीति ने प्रतिभाशाली शिक्षित भारतीयों में असंतोष की ज्वाला उत्पन्न कर दी। एक तो कारण हमारा ये हो जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण था, आराम से लिख सकते हो। आगे देखते हैं, अब आठवें कारण को यहां पर देखने वाले हैं। आठवां कारण हमारा कौन सा हो जाता है, बड़ा हो गया भाई, कोई बात नहीं। अब देखो आठवां कारण कौन सा है, वो है जातीय भेदभाव। कैसा, हमारे भारत में क्या होता था, जातीय भेदभाव कुछ ज्यादा मानते थे, तो उसको देख लेते हैं। तो बात करते हैं 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज तथा भारतीयों के बीच जिस जातीय भेदभाव तथा कूटता का प्रादुर्भाव हुआ, उसने ही भारतीयों के अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध की भावना तथा राष्ट्रीयता के अत्यधिक प्रोत्साहित किया। मतलब इसे क्या 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 था, अत्यधिक प्रोत्साहित किया था, किसने, 1857 के विद्रोह के बाद, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जातीय भेदभाव के बारे में यहां पर बात हो रही है, ठीक है, आराम से देखा हमने इसके लिए भी। आगे देखते हैं, भेदभाव एवं कटुता का प्रादुर्भाव हुआ 1857 की क्रांति से, इसमें से उसने भी भारतीयों के अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध की भावना तथा राष्ट्रीयता को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आराम से हमने देख लिया। बात करते हैं, अब देखते हैं नौ वाले के लिए कौन सा कारण था, आर्थिक असंतोष। अब आर्थिक असंतोष क्यों होगा भाई, है ना, हमारे यहां पर गल्ला मतलब जो गेहूं धान है उस समय इतना नहीं होता था, है ना, तो ये जो लोग थे अंग्रेज जो शासन था ये विदेश से क्या करता था, ट्रांसफर करता था, मतलब कहता है निर्यात करते थे, ठीक है, यहां पर खाने के लिए नहीं था और निर्यात कहां करते थे, दूसरे देशों के लिए। तो बात करते हैं आर्थिक असंतोष, तो क्या ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए भारतीय समाज के शोषण के कारण जो आर्थिक असंतोष पैदा हुआ उसने भी बहुत हद तक राष्ट्रीयता की भावना को पनपाया। फिर देखा है कंपनी ने भारत के उद्योग धंधों का प्राय अमूल नष्ट कर दिया और व्यापार पर उनका पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया। व्यापार पर किसका हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी उसका अधिकार स्थापित हो गया। फिर देखा है जिससे भारतीय जनता निर्धनता और भुखमरी की शिकार हो गई। ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाते हुए भारतीय उद्योग धंधों को पूर्णतः समाप्त कर दिया जिसने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह तथा भारतीयों के राष्ट्रीय की भावना पनपाई, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हेडिंग, कौन सी, जातीय भेदभाव भी हो गई और आर्थिक असंतोष भी हो गया, और हमने अच्छी प्रकार से पढ़ भी लिया, ठीक है। बात करते हैं आगे की ओर, आगे कौन सा हो जाता है, वो जाता है लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। दमनात्मक मतलब सताने वाली हो जाती है ना, दमन करना, लोगों का दमन करना, तो यहां पर भी हो जाता है लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। आठ भी दस भी हो जाती है, आपको ओनली कितने लिखने हैं, 6 से 7 लिख लेना और बना बनाकर थोड़ा सा अच्छा कर देना, खींच देना, ठीक है। तो बात करने लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति की भी वहां पर उदय का कारण एक बन जाती है। देखते हैं, लॉर्ड लिटन ने अपने शासनकाल में जो भारत विरोधी कार्य किए भारतीय नागरिक सेवा जो ICS की आयु 21 से घटाकर कितनी की थी, 19 वर्ष करना, 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन करना तथा 80 लाख पौंड के अन्न का भारत से निर्यात, जबकि दक्षिण भारत में बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा था। दक्षिण भारत में भुखमरी फैली थी मगर फिर भी कितना, देख सकते हो 80 लाख पौंड जो अन्न था, खाना जो था, वो क्या कर दिया, निर्यात कर दिया गया था। बात करते हैं 1878 में वर्नाक्यूलर स्पेस एक्ट पास करना तथा शस्त्र अधिनियम तथा अफगान युद्ध आदि भारतीयों की क्रोधाग्नि भड़काने तथा उनमें राष्ट्रीयता की भावना जगाने में अत्यधिक सहायता सिद्ध हुई। तो ये भी एक कारण हमारा हो जाता है, किसका, लॉर्ड लिटन के दमनकारी नीति, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो इस हेडिंग के लिए। बात करते हैं आगे की ओर, थोड़ा रुकिएगा, ठीक है, ये क्या हो रहा है अभी, कहां तक देख लिया हमने भाई, रुकिएगा थोड़ा सा, इल्बर्ट विधेयक नहीं, सॉरी, लॉर्ड लिटन वाला देख लिया, ठीक है, आगे देखते हैं लॉर्ड 11वां देखेंगे हम यहां पर, तो वो अपना क्या हो जाता है, इसको देखिएगा, ठीक है, हाँ जी, अब 11वां देखते हैं, वो हो जाता है तुम्हारा इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद।
जो इलबर्ट का विधेयक था उससे संबंधित विवाद ने भी क्या कर दिया भाई, राष्ट्र उदय को जन्म दिया। बात करते हैं इलबर्ट विधेयक संबंधी विवाद है क्या, तो बात करते हैं 1880 में लॉर्ड रिपिन भारत के गवर्नर जनरल बनकर, भारत के गवर्नर कौन बने 1880 में बने कौन, लॉर्ड रिपिन आए। फिर देखा है प्रशासन के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सुधार करने के बाद न्याय के सुधार करना चाहा, मतलब उन्होंने न्याय में सुधार करना चाहा, न्याय में सुधार के उद्देश्य से 1883 में लॉर्ड रिपिन का परिषद के विधि सदस्य इलबर्ट ने परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया, कौन सा एक जो विधेयक था उसके प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को, ध्यान से पढ़ना यहां पर, जिसका उद्देश्य क्या था, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देता था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उन्होंने आप देख सकते हो इलबर्ट ने प्रस्तुत किया, उसका उद्देश्य क्या था, भारतीय न्यायाधीशों को, भारत के जो न्यायाधीश थे उनकी बात हो रही है, को यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना था। फिर देखा है भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका संगठित विरोध किया, जो भारत में अंग्रेज रहते थे उन्होंने क्या कर दिया, संगठित इसका विरोध किया, के लिए रक्षा समिति, क्या कर दिया, रक्षा समिति की स्थापना की, जिसने प्रबल विरोध करने के कारण विधेयक के संशोधन करना पड़ा। फिर क्या करना पड़ा, इन्होंने विधेयक में संशोधन कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अंग्रेजों ने उस पर उठाई भाई उंगलियां उठाई तब, ठीक है। बात करते हैं आगे, कोई अंग्रेजों के खिलाफ था यह वाला विधेयक, ठीक है, तो इसलिए यहां पर इलबर्ट का विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो भारतीयों के एक प्रकार से फेवर में था, ठीक है। बात करते हैं इस विधेयक ने भारतीयों की आंखें खोल दी और उन्हें महसूस किया कि अपनी किसी भी मांग को मनवाने के लिए उन्हें भी किसी इसी प्रकार के संगठित होना चाहिए, मतलब इसी प्रकार से अपने लोगों के लिए भी इकट्ठा होना चाहिए, यहां पर दे रखा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से इसको लिख सकते हैं, इलबर्ट विधेयक संबंधी विवाद, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाती है, वो हो जाती है विदेशी आंदोलन का स्वस्थ प्रभाव, विदेशी आंदोलन का स्वास्थ्य प्रभाव। तो बात करते हैं विदेशी जो आंदोलन हुए थे उस समय की बात कर रहा है, इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के राजनीतिक आंदोलन, फ्रांस के तृतीय गणतंत्र की स्थापना तथा इंग्लैंड के सुधार आंदोलन की सफलता से भारतीयों को भी अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने का प्रोत्साहन मिला, कि भैया वो देश क्रांति कर रहे हैं तो अपने भी क्रांति करो तभी हमारा देश आजाद होगा, ठीक है। तो यहां पर विदेशी आंदोलन का स्वस्थ प्रभाव पड़ा, यह भी एक कारण हो जाता है राष्ट्रवाद के उदय के लिए। बात करते हैं तेरहवा कारण है वो कौन सा हो जाता है हमारे राष्ट्रवाद के उदय के लिए, तो वो जाता है भारतीय समाचार पत्र तथा देसी साहित्य का विकास, जो देसी साहित्य है उसका विकास, क्योंकि भारतीय समाज पर जो समाचार पत्र जब आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कहां हो रहा है, अंग्रेज क्या क्या कर रहे हैं हमारे देश के खिलाफ, है ना, कौन सी रणनीति कर रहे हैं, तो भाई यहां पर देखने को हमें मिलने वाला है देसी साहित्य का विकास। बात करते हैं भारतीय समाचार पत्र तथा देसी साहित्य ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय समाचार पत्रों ने अंग्रेजी पत्रों को भारत विरोधी प्रचार करने का करारा उत्तर दिया तथा भारतीयों को विदेशी शासन की त्रुटियों से परिचित कराया, जो विदेशी जो त्रुटियां हैं जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनसे क्या कराया, परिचित कराया, ठीक है। आगे देखिएगा, उपयुक्त तत्वों के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में इस चेतना का विकास हुआ कि उसकी इस दयनीय स्थिति के लिए ब्रिटिश शासन ही उत्तरदायी है, कि जो इस समय हम भुखमरी से मर रहे हैं इसका कारण कौन है, ब्रिटिश सरकार है। देखा है, और इस चेतना के परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, ठीक है भाई। तो यहां पर आपका जो हो जाते हैं 13 हेडिंग है, कितनी है, 13 हेडिंग है, 13 हेडिंग में आपको कितनी याद करना है, 6 से 7 हेडिंग अगर आप लिख आओगे थोड़ा सा लंबा करके, 200 से 250 अक्षर में आपको लिखना यहां पर पड़ता है, तो बहुत आराम से पढ़ा है, और इन हेडिंगों को आपको याद करना पड़ेगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ वो कहां मिलेगी भाई, पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको www.paperhacker.in पर जाओगे तो वहां पर आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर मिलेगा, वहां पर बटन पर क्लिक करोगे आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो
बना लो, कर सकते हैं, पढ़ सकते हो और बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़े हो, क्योंकि जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम दोगे है ना, अच्छा करना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।